हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखने का आदेश दिया है। इस फैसले के साथ ही अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के 2018 के उस आदेश को पलट दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने पेंशन के कैलकुलेशन के लिए 15,000 रुपए की पेंशनेबल सैलरी की सीमा को अनुचित माना था और निर्णय दिया था कि अंतिम 60 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर पेंशन का जो है वो निर्धारण होना चाहिए, ना कि अधिकतम 15,000 रुपए की पेंशनेबल सैलरी के आधार पे। तो दोस्तों आई अंडरस्टैंड ये सब समझना आपके लिए काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करेगा, तो मैं बहुत ही सिंपल वे में कोशिश करूंगी कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाऊं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में कई बातें जो है वो कही हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध है। पीठ ने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है वह जो है वो 6 महीने के भीतर जो है वो अब अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि जो कर्मचारी को कट ऑफ तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके हैं उन्हें एक अतिरिक्त मौका जो है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों की ओर से जो है वो जो भी निर्णय लिए थे उनमें जो है वो स्पष्टता की जो है वो काफी कमी थी। तो दोस्तों अब मैं आपको कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना यानी इम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 के जो मुख्य प्रोविजंस हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। इम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम 2014 के मुताबिक अगर 1 सितंबर 2014 के बाद ईवीए अगर ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के पेंशन के कैलकुलेशन के लिए जो है वो पेंशनेबल सैलरी की सीमा मासिक 15,000 रुपए है, जबकि 1 सितंबर 2014 से पहले अगर किसी ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम ज्वाइन करने वाले जो कर्मचारी हैं जो की पेंशन के लिए जो कैलकुलेशन की जो सैलरी है उसकी मासिक सीमा 6,500 रुपए थी। तो आई होप ये प्रोविजन आपको क्लियर हुआ होगा कि जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनके लिए इन लोगों ने लिमिट रखी थी 15,000 रुपए मासिक वेतन पे जो है वो ये पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन जो 1 सितंबर 2014 से पहले के थे उनके लिए मासिक वेतन की जो सीमा थी वो 6,500 रुपए रखी गई थी। अब कर्मचारी पेंशन जो स्कीम 1995 के अनुसार आपके एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएफ के लिए जो है वो कंट्रीब्यूशन का एक निश्चित हिस्सा जो है वो ईपीएस में जाता है। नियमों के मुताबिक आप अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जो है वो ईपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जितनी रकम आप ईपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी ही रकम यानी 12% की जो है वो राशि एम्प्लॉयर भी ईपीएस के अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूट का एक हिस्सा जो है वो ईपीएस में जाता है। यह हिस्सा जो है वो बेसिक सैलरी का 8.33% या अधिकतम 1,250 रुपए होता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक जो वेतन की सीमा है उसे अब रद्द कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश यू ललित, न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने जो है वो इस विकल्प को अब हटा दिया है। पीठ ने कहा है कि जो पात्र कर्मचारी अंतिम तारीख तक योजना में शामिल नहीं हुए हैं अब वे इसमें शामिल हो सकते हैं। 2014 की योजना में इस शर्त को अमान्य करार कर दिया है कि कर्मचारियों को 15,000 रुपए से अधिक के वेतन पर जो है वो 1.16% का अतिरिक्त योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि इस फैसले के हिस्से को 6 महीने के लिए जो है वो निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारी कोष जो है वो यानी फंड इकट्ठे हो सके।
इसके साथ साथ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र ने केरल, राजस्थान, दिल्ली के उच्च न्यायालयों को जो है वो रद्द कर दिया है और 2014 की ये जो योजना है इसे कंटिन्यू वैलिड जो है वो रखा है। बट इसमें जो सिंपली एक शर्त है कि पहले जो एक राशि थी वो थी 15,000 रुपये की, एक लिमिट जो थी वो इसमें फिक्स की गई थी, अब इस लिमिट को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको न्यूज समझ आई हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।